हेलो स्टूडेंट्स आई एम आयुष पुरोहित फ्रॉम नवज्योति ग्लोबल स्कूल गुडगांव आई होप यू ऑल आर गुड एंड टुडे वी विल स्टडी सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ ऑफ क्लास सिक्स स्टूडेंट्स अभी तक इस बुक में यूनिट वन को फिनिश कर चुके हैं आज हम पढ़ रहे हैं यूनिट सेकेंड का चैप्टर नंबर टू यूनिट वन में फर्स्ट चैप्टर हमने पढ़े थे फर्स्ट टू चैप्टर्स थे वो थे डाइवर्सिटी के बारे में अंडरस्टैंडिंग डायवर्सिटी एंड डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन आज जो हम चैप्टर पढ़ेंगे यूनिट टू में कल हमने पढ़ा जो यूनिट टू जिसमें टू चैप्टर्स हैं फर्स्ट चैप्टर है वट इज गवर्नमेंट एंड सेकेंड चैप्टर जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं की एलिमेंट्स ऑफ आ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट स्टूडेंट्स पहले चैप्टर में हमने गवर्नमेंट के बारे में पढ़ा था गवर्नमेंट किस तरीके से वर्क करती है क्या क्या उसकी प्रोसेस होती हैं किस तरीके से काम होते हैं गवर्नमेंट के और आज हम पढ़ेंगे कि एक डेमोक्रेटिक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स के क्या की एलिमेंट्स होते हैं किन से गवर्नमेंट वर्क करती है क्या क्या प्रोसेसिस होती हैं किस तरीके के वर्क स्टेप्स जो हैं फॉलो किए जाते हैं इन दिस चैप्टर यू विल रीड सम की एलिमेंट ऑफ द इन्फ्लुएंस वर्किंग डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट दिस इंक्लूड पीपुल्स पार्टिसिपेशन रिजोल्यूशन कंफ्लिक्टवालिटी एंड जस्टिस साउथ अफ्रीका एक कंट्री है जैसे कि मैप में आप साउथ अफ्रीका को देख पा रहे होंगे ये वो एक वर्ल्ड मैप का एक इमेज है यह हमारा इंडिया ये आपका साउथ अफ्रीका ये पूरा जो कॉन्टिनेंट है अफ्रीका कॉन्टिनेंट है और इसमें ये वाला जो हिस्सा है जो बीच में जिसे सर्कल मार्क किया गया है ये ये आपका है साउथ अफ्रीका ये आपका ठीक है अब हमने इंडिया देख लिया साउथ अफ्रीका देख लिया ये आपका या सॉरी ये आपका एरिया ऑस्ट्रेलिया का आपका एरिया है या यूरोप का एरिया है थोड़ा ये यूरोप है ये आपका एशिया है और ये आपका साउथ अमेरिका और ये आपके अमेरिकन कॉन्टिनेंट्स हैं साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका अब हम बात करेंगे साउथ अफ्रीका के बारे में साउथ अफ्रीका ये आज ये जो कॉन्टिनेंट का जो साउथ का हिस्सा है अफ्रीका कॉन्टिनेंट का जो साउथ का हिस्सा है इसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं साउथ अफ्रीका इज अ कंट्री वे आर सर्वल पीपुल रेसेस देयर आर आर ब्लैक पीपुल बिलोंग्स टू साउथ अफ्रीका एंड वाइट हु केम देयर टू सेटल इन इंडियन हु केम एज अ लेबर एंड ट्रेडर्स जो साउथ अफ्रीका के बारे में बात कर रहे हैं साउथ अफ्रीका में अगर हमने अभी देखे हैं तो थ्री टाइप्स के पीपल को कैटेगराइज कर सकते हैं फर्स्ट जो साउथ अफ्रीकन पीपुल्स थे सेकेंड सेकेंड जो लोग थे आपके वो वहाँ पर वाइट्स थे जो वहाँ पर सेटल होने के लिए आए थे थर्ड जो थे आपके वो थे इंडियंस जो आपके ट्रेडर्स और आपके लेबर्स की तरह वहाँ पर वर्क करने के लिए आए थे माया एक लड़की है माया नायडू एंड एलेवन ईयर साउथ अफ्रीकन गर्ल लिविंग इन द टाउंस ऑफ जोहसबर्ग माया एक जोहसबर्ग टाउन में रहती है वो अपनी मदर की हेल्प कर रही है क्लियरिंग में ओल्ड बॉक्सेस को क्लियर करने में अब उसको एक स्क्रैप बुक मिलती है जिसमें पिक्चर्स हैं फुल ऑफ न्यूज पेपर आर्टिकल्स से जिसमें एक पिक्चर में दिखाया गया है स्कूल बॉय अराउंड फिफ्टीन ईयर्स एज उसको किल्ड कर दिया गया तो माया शॉक्ड हो जाती है वाई वॉर द है्टर नाइडू किल्ड वो अपनी मदर से पूछती है वाई वॉर द है्टर नाइडू शॉट बाई द पुलिस माया शॉक होकर अपनी मदर से पूछती है हर मदर उसकी मदर उसको एक्सप्लेन करती है साउथ अफ्रीका गवर्नमेंट साउथ अफ्रीका वॉज अर्ली गन बाई अप अपार्ट लॉस हेड मीन्स सेपरेशन ऑन द बेसिस ऑफ द रेस अपार्ट हेड मीन्स होता है कि आपका सेपरेशन ऑन बेसिस पे किसी चीज के पर्टिकुलर चीज के बेसिस पे आपको सेपरेट किया जाता है अफ्रीकन पीपुल्स को डिवाइड किया गया था ब्लैक ब्लैक एंड वाइट्स में ब्लैक जो अफ्रीकन पीपुल्स थे और जो इंडियंस थे और वाइट वो लोग थे जो अफ्रीका में सेटल्ड होने के लिए आए थे अकॉर्डिंग टू द लॉ जो वाइट और ब्लैक्स थे दोनों को एक साथ मिंगल होने की जो परमिशन नहीं थी दोनों को कॉमन फैसिलिटीज नहीं थी माया कुडेंट बिलीव हर ईयर्स माया को अपने ईयर्स पर और अब बिलीव नहीं हुआ जो उसकी मदर को बता रही थी और माया जो मदर थी साउंड हो रही थी लिटिल बिट एंग्री व्हेन शी वाज स्पोक अबाउट द लाइफ अंडर अ शी टोल्ड दैट दो इन दोज डेज हॉस्पिटल्स वर सेपरेटेड एंड एम्बुलें एंड द एम्बुलेंस वाइट पीपुल ऑलवेज वे वेल इक्विप्ड एंड वन मीन फॉर ब्लैक वॉज नॉट जो व्हाइट्स की जो एम्बुलेंस थी वो वेल इक्विप्ड रहती थी और ब्लैक की जो एम्बुलेंस थी वो जो वेल इक्विप्ड थी वो नहीं होती थी ब्लैक की जो एम्बुलेंस थी वो वेल इक्ुप्ड नहीं थी वाइल जो वाइट की जो एम्बुलेंस थी वो बहुत ही वेल इक्विप्ड फुल ऑफ इक्विपमेंट्स होती थी यहां तक कि ट्रेन एंड बसेस में भी सेपरेशन था इवन बस स्टॉप्स आर सेपरेटेड उनके लिए बस स्टॉप भी डिफरेंट थे ब्लैक्स के अलग ब्लैक बस स्टॉप्स थे वाइट के लिए अलग बस स्टॉप्स थे नॉन वाइट नॉन वाइट्स जो थे यानी मीन्स जो ब्लैक थे उन्हें वोट करने का तक राइट नहीं था वो वाइट जो थे जो कंट्री की जो बेस्ट लैंड्स थी जहां पर अच्छा प्रोडक्शन होता था जो फोर्टाइल लैंड्स थी वो वाइट्स ने अपने रहने के लिए कैप्चर करी हुई थी और ब्लैक को बहुत बेकार वाला लैंड था वो प्रोवाइड किया था और जो पीपुल्स थे वो कंसीडर नहीं किए जाते थे इक्वली ब्लैक टाउनशिप वाज अ साउथ वेस्टर्न टाउनशिप सोएटो और हैक्टर नेडुलू वो एक लड़का था जो वहाँ पर रहता था उन्होंने प्रोटेस्ट कर दिया था अफ्रीकन्स अफ्र, लैंग्वेज के अगेंस्ट में और ये जो लैंग्वेज थी जो वाइट्स के द्वारा स्पोक होती थी और हेक्टर को स्कूल में फोर्स किया जा रहा था और हेक्टर और उसके क्लासमेट्स को वो इस लैंग्वेज को पढ़े बट जो हैक्टर और उसके क्लासमेट्स थे वो अपनी ओन लैंग्वेज जो जोलू थी उसे सीखना चाहते थे अफ्रीकन पुलिस ने प्रोटेस्टर्स को बीट किया और बहुत ही मर्सीली क्राउड पर शॉट्स कर दिए और उनमें से एक बुलेट जो है हेक्टर को लग गई और ये जो था थर्टी अप्रैल थर्टी ऑफ अप्रैल नाइनटीन सेवेंटी सिक्स इस दिन ये इंसिडेंट हुआ और जो अफ्रीकन कांग्रेस के जो ग्रुप के जो लीडर थे उन्होंने बहुत अपार्ट रूल के खिलाफ या अपार्ट आपके लॉस के खिलाफ बहुत ही ज़्यादा प्रोटेस्ट किया उसमें नैनसल मंडोला बहुत बड़े एक फाइटर थे जिन्होंने अपार्टड सिस्टम के खिलाफ बहुत ज़्यादा बड़ी लड़ाई लड़ी और फाइनली वो सक्सीड हुए 1994 में और साउथ अफ्रीका एक डेमोक्रेटिक कंट्री बन गया जहाँ पर ऑल पीपुल्स आर इक्वल अब पार्टिसिपेशन हुआ अब जब एक डेमोक्रेटिक कंट्री बना तो वहाँ पर इलेक्शंस होंगे इलेक्शन होंगे लीडर्स को इलेक्ट किया जाएगा और डिसीजन लिए जाएंगे ऑन द बिहाफ ऑफ द पीपुल एंड पीपुल्स वोट करेंगे और उनकी वोट से और उनके आपको कह सकते हैं पार्टीसिपेशन से गवर्नमेंट को चूज किया जाएगा वंस गवर्नमेंट इलेक्टेड गवर्नमेंट जब इलेक्ट होती है तो उसकी बात पावर होती है और उसको अगेन पावर में आने के लिए री इलेक्ट होना बहुत जरूरी होता है जब गवर्नमेंट री इलेक्ट होगी तभी वो दुब अगेन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है इसीलिए बार बार इलेक्शंस होते हैं ये कंटीन्यूस प्रोसेस है इलेक्शंस होते हैं गवर्नमेंट चूज होती है और देन गवर्नमेंट डिजॉल्व होती है अगेन इलेक्शंस होते हैं गवर्नमेंट चूज होती है एंड गवर्नमेंट डिजॉल्व होती है इन अगस्त 2005 थाउजेंड फाइव अ पर्टिकुलर गवर्नमेंट इंक्रीज द मनी ऑफ पीपुल हैड टू पे फॉर इलेक्ट्रिसिटी पीपल एक्सप्रेस डिसबल डिसअप्रूवल वेरी शार्पली जो अगस्त टू थाउजेंड फाइव में जो गवर्नमेंट ने इलेक्ट्रिसिटी जो बिल था उसके लिए बहुत ज़्यादा जो मनी दो गवर्नमेंट ने पे कर दिया तो लोगों ने बहुत डिसअप्रूवल कर दिया और उसके खिलाफ जो थे कंपेनियंस स्टार्ट कर दिए और फाइनली गवर्नमेंट को लिसन करनी पड़ी पीपल्स के ओपिनियन की और उन्होंने विड्रॉ कर लिए वो जो इंक्रीज जो थे वो उन्होंने वापस ले लिए जस्ट बिकॉज इट इज़ रिस्पॉन्सिबल टू द पीपल क्योंकि ये सब जो हो रहा था वो पीपुल्स के लिए हो रहा था और पीपल अगर उस पीपुल्स ने यही जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो जो है फॉर्म की है अगर गौ पीपुल्स अगर उस गवर्नमेंट को सपोर्ट नहीं करेंगे तो गवर्नमेंट जो है डिसॉल्व हो जाएगी लोगों ने स्ट्राइक्स करे हैं एक्शंस लिए हैं और रैलीज हुई हैं धरनास धरना लोग देते हैं एंड सिग्नेचर कैम्पेन लोग चलाते हैं अनफेयर के अगेंस्ट में तो ये सब चीज़ें न्यूज़पेपर में आती हैं और एक बहुत बड़ा रोल प्ले क्रिएट हो जाता है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है लोगों को अलाव करती है पार्टिसिपेशन के लिए कि एक्चुअली में वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं सोशल मूवमेंट्स में और माइनॉरिटीज minor, कम्यूनिटीज में दलित आदिवासी हर कोई उसमें पार्टिसिपेट कर सकता है ये किसी एक कम्युनिटी का किसी एक ग्रुप का पार्टिसिपेशन नहीं होता है हर कोई चाहे वो किसी ग्रुप से हो चाहे वो कोई पर्सन हो वो पार्टिसिपेट इसमें कर सकता है बिकॉज द डेमोक्रेसी है जो सबको इक्वली राइट्स देती है अब नेक्स्ट टाइम जब आप कोई रैली देखें तो उसमें लोगों से पूछें उसमें कौन कौन पार्टिसिपेट कर रहा है वो पार्टिसिपेशन क्यों हो रहा है और वो रैली किस अगेंस्ट में की जा रही है और गवर्नमेंट में उसका क्या रोल प्ले है अब नीड टू रिजोल्व कॉन्फ्लिक्ट माया ने स्टोरी सुनी उसमें कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स थे और वो कॉन्फ्लिक्ट क्या थे जब डिफरेंट कल्चर डिफरेंट रिलीजन डिफरेंट इकोनॉमिक बैकग्राउंड आमने सामने आते हैं तो वो अपने आप को डिफरेंट समझते हैं डिस्क्रिमिनेशन होता है और यही चीजें को जन्म देती हैं और ऐसा जो एटमोसफियर ये जो चीज़ें हैं फियर एंड टेंशन के एटमोसफियर को जन्म देती हैं और वहाँ पे फियर एंड टेंशन एक्ष्ट, एक्ष्ट, का एटमोसफियर हो जाता है तो गवर्नमेंट जो है वो रिस्पॉन्सिबल है इन कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजोल्व करने में जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे तो रिलीजियस प्रोसेसन प्रोसेसन सेलिब्रेशन सम कॉन्फ्लिक्ट कोई रिलीजन प्रोसेस है सपोज आपको किसी दिन कोई रैली करनी है अपोज उप, हिंदू को हिंदूज को कोई रैली करनी है और कोई अनदर रिलीजन उस दिन कोई रैली करना चाहता है तो ये कॉन्फ्लिक्ट का रीजन बन सकता है तो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो कॉन्फ्लिक्ट को संभाले कॉन्फ्लिक्ट को जो थे कॉन्फ्लिक्ट की जो प्रॉब्लम्स है जन जो गवर्नमेंट जो पीपल हैं उन्हें सुने और जो कॉन्फ्लिक्ट उन्हें रिजॉल्व करें रिवर्स भी कभी कभी कॉन्फ्लिक्ट का मीडियम बन हो जाती हैं अगर आप रिवर जो है सेम स्टेट से फ्लो कर रही हैं तो जैसे अपन जैसे कि आपकी कावेरी रिवर है जो कर्नाटक एंड तमिलनाडु दोनों रिवर्स दोनों स्टेट्स में फ्लो होती है और इसका जो वाटर है एक डिस्प्यूट का मीडियम क्रिएट करता है डिस्प्यूट क्रिएट करता है वाटर जो स्टोर होता है कृष क्रिष्ट, कृष्णा सागर डैम में कृष्णा सागर डैम में जो कि कर्नाटक में है इरीगेशन का मीडियम है कर्नाटक के लिए बेंगलुरु के लिए वो सिटी के लिए वो वाटर की नीड को पूरी करता है फुलफिल करता है अट सेम जो वाटर है वो स्टोर होता है मेट्योर डैम में जो कि तमिलनाडु में है जो कि आपको इरिगेशन के लिए यूज़ किया जाता है यहाँ पर और भी अदर फैसिलिटीज़ के लिए यूज़ किया जाता है अब जब आपका इस तरीके से होगा तो कॉन्फ्लिक्ट एक पैदा होगा कि कर्नाटक वालों के जब अगर ज़्यादा वाटर को स्टोर कर लेंगे तो तमिलनाडु में वाटर जो है फुलफिल नहीं, नहीं हो पाएगा मेट्योर डैम में जब वाटर नहीं होगा तो वाटर के जो है कमी हो जाएगी वहाँ पर तो इसलिए इससे एक कॉन्फ्लिक्ट होगा तो ये जब सारी गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जितने भी कॉन्फ्लिक्ट होते हैं उन्हें हटाए उन्हें रिजॉल्व करे और इक्वलिटी एंड जस्टिस अब हम बात करते हैं इक्वलिटी अनटचेबिलिटीज है उसे गवर्नमेंट ने लगभग समाप्त कर दिया गया है मेडिकल फैसिलिटीज़ जो हैं सबको इक्वल मिलती हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बुक में हमने पढ़ा था कि जो, जो बहुत सारी चीज़ों में पीपल्स को इक्वली ट्रीट नहीं किया जाता था अब ऐसा नहीं है गवर्नमेंट ने लॉज बना दिए हैं हर कोई इक्वल है इवन चाहे वो बॉय का चाइल्ड हो चाहे गर्ल चाइल्ड हो गौ... सोसाइटी को ऐसा नहीं है कि वो किसी के साथ अनजस्टिस करे गवर्नमेंट उसके खिलाफ प्रमोट करती है जस्टिस को और बहुत सारे जो चीज़ें हैं उनसे मतलब लॉज क्रिएट किए गए जिससे गर्ल्स ओवरकम कर सके जस्टिस से और सारी चीज़ों को फीस है बहुत सारी चीज़ें गर्ल्स के वहाँ पर आपको एक फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जाती है जिनसे की चीज़ों को लाइफ्स को बेटर किया जा सके स्टूडेंट्स आइए जो की एलिमेंट्स थे गवर्नमेंट के इस चैप्टर में हमने पढ़े कि गवर्नमेंट किस तरीके से वर्क करती है क्या क्या प्रोसेस होते हैं किस तरीके की डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है आज का ये लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है डे